अंकल क्या खिला रहे हैं फिर आज आप? देखिएगा आज आपने बहुत सी चीजें खाई हैं, ऑमलेट के अंदर ऐसी वैरायटीयां खाई हैं जो नहीं खाने वाली, मगर मैं आज आपको खिला रहा हूँ यहाँ पर दौलत की चाट का ऑमलेट। आपने दौलत की चाट का ऑमलेट नहीं खाया होगा, अक्सर रेडी पे दौलत की चाट जरूर देखी होगी, मगर ऐसी झाग और ऐसा फ्लफी ऑमलेट आपने कहीं नहीं खाया होगा। उस स्वाद को दिखाते हैं और बनाते हैं उस मेकिंग की और चलते हैं। पहले मैं चार अंडे लूंगा, उस चार अंडों के अंदर योक्स अलग करूंगा, व्हाइट पार्ट चारों का अलग अलग रहेगा और योक्स अलग रखे जाएंगे। ये भी योक्स बाद में लगाए जाएंगे उसी ऑमलेट के अंदर, फ्लॉपी ऑमलेट के अंदर, और मैंने उसको नाम दिया यहाँ पर दौलत की चाट, क्योंकि मेरे यहाँ की मेकिंग और मेरे यहाँ के स्वाद अपने ही नाम से बिकते हैं। जब यहाँ पर कोई आता है पुरानी दिल्ली के मसाले खाने और उस स्वाद को देखने, ऐसे ही स्वादों के साथ चलता हूँ मैं, पुरानी दिल्ली के बाउजी वाले मसालों के साथ। ठीक है जी, ये चौथा अंडा है मेरे हाथ में, इसका योक्स अलग है, और ये चार अंडे भी मैं आपको अभी लगा के दिखाऊंगा उस फ्लफी ऑमलेट के अंदर। और क्या जादू रहा, ये रहा फ्लफी ऑमलेट का, दौलत की चाट बनाते हैं जिसे कहते हैं हम यहाँ फ्लफी ऑमलेट। आइएगा उस फ्लफी ऑमलेट को तैयार करते हैं और दौलत की चाट अपने आप तैयार होगी, ऐसी झाग वाली जो आपने कहीं ना देखी हो। दौलत की चाट अंडों के अंदर ऐसी वैरायटी, ये अलग एक खास अहमियत रखती है, मगर हाँ स्वाद है वो है पुरानी दिल्ली की गलियों के। आइएगा स्वाद को बनाते हैं अपने बाबूजी के मसाले और पुराना सारा सामान डालते हैं और स्वाद को देते हैं, और बहुत सी चीज़ें डलेंगी और ऐसे ही ये फ्लफी ऑमलेट बनेगा, 5 से 7 मिनट जरूर लेगा ये दौलत की चाट तैयार होने में। इसे मैंने इसलिए नाम रखा है दौलत की चाट क्योंकि ये झाग से भरपूर है और ऐसे ही स्वाद बनाता हूँ। मैं चलता हूँ अपनी नई नई आइटमों के साथ, ये मेरी और भी नई आइटम है और ऐसे ही मैं स्वाद बनाता हूँ। मसाला भी डलेगा, प्याज मिर्चे भी डलेंगे और फिर डलेगा बाउजी वाला मसाला। आइएगा फ्लफी ऑमलेट को तैयार करते हैं और दौलत की चाट क्या तैयार होगी ऑमलेट के अंदर। क्या आपने ऐसी दौलत की चाट खाई है? नहीं खाई, मैं आपको खिला रहा हूँ उस मसालों के साथ जो पुराने दिल्ली की गलियों में घूमते हैं, और उस मसाले के अंदर क्या जादू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाऊजी वाला, क्योंकि लोग पूछते हैं कि बाऊजी का मसाला क्या है और स्वाद क्या है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा और स्वाद के अंदर लेके चलूंगा। अंडों की दुनिया और अंडों का स्वाद, संडे हो या मंडे, ऐसे अंडे क्या पता कैसे स्वाद है, आप भी खाइएगा और मुझे भी बताइएगा। देखिएगा अंडे ऐसे खाए हैं आपने, नहीं खाए हैं? ठीक, आइएगा वो येलो पार्ट भी लगाते हैं और फिर इसकी होगी मेकिंग अच्छे तरीके स्वाद की। ये प्याज मिर्चे धनिया टमाटर ये नमक ये लाल मिर्च और ये 15 से 18 मसाले भून के वही बाऊजी वाला स्वाद। मैं आपको मेन बताऊं यहाँ की जान है और वो चीज़ ये है कि अपने बाऊजी के मसाले 65,000 पुराने हैं और स्वाद को आज वही चुटकी हम जब डालते हैं और अपने बाऊजी का नाम लेते हैं वो स्वाद अपने आप बन जाते हैं। ऐसी चीज़ों का स्वाद है जो पुरानी दिल्ली की गलियों के अंदर रहता है। अब मेन रह गया इसका पलटा लगाना, क्योंकि फ्लफी ऑमलेट और इतना हैवी है, उस स्वाद को दिखाते हैं हम फ्लफी क्या रहा। आइएगा पलटा लगाते हैं, ये देखिएगा ये है फ्लफी ऑमलेट सर, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर तक, इसे कहते हैं यहाँ पर फ्लफी ऑमलेट।
मगर मैंने इसका नाम रखा है दौलत की चाट। आपने व्हाइट चाट हमेशा खाई होगी कटोरी के अंदर, मगर ऑमलेट के अंदर देना ये कला है, उस स्वाद को देना, मैं आज भी वही देता हूँ, इसलिए मेरा नाम लिखा गया यहाँ पर स्वाद का सिकंदर अलग अलग आइटम के लिए। आइएगा स्वाद को और बढ़ाते हैं, पहले चीज, फिर तंदूरी मेयोनेज, आपने अंडों पे ऐसी चीजें खाई हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि अक्सर ऑमलेट बनाने वाले बहुत और कला बहुत है, मगर मैंने अपने भाऊजी से बहुत सी चीजें कलाओं में सीखी हैं और स्वाद को आज भी मैं खिलाता हूँ सिकंदर ऑमलेट के नाम से, अपने भाऊजी के नाम से। यहाँ मेरी तो कोई पहचान नहीं, मगर हाँ अपने भाऊजी का नाम और स्वाद को आज भी मैं लेके खड़ा हूँ। आइएगा मेकिंग की और चलते हैं, थोड़ा सा इटालियन स्वाद डालते हैं, ऑरेगानो, ये फ्लैक्स, और फिर इसके ऊपर लगेगा भाऊजी का मोनोग्राम, जो मैं अक्सर आइटम बनाता हूँ और उस पर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर 4 स्लाइस दिए जाएंगे, इसका ग्रीन केचप, 2 पाउच केचप के, ये लीजिएगा, मेरी फ्लफी ऑमलेट की रेडी है। आपने मेरा टाइमिंग रहेगा 4 बजे से 11 बजे तक, यहाँ पर आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाजार, 20 से 25 दुकानें आप अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे छोटे भाई की दुकान पड़ेगी सिकंदर ऑमलेट। हाँ, ऐसी खास वैरायटी के लिए आप आइएगा, और ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जैसे पिज्ज़ा, पंजाबी और बहुत सी वैरायटी, आप आइएगा और शौक फरमाइएगा। थैंक यू। तो आइए चखते हैं ऑमलेट के जायके को, बताते हैं कि है कैसा दौलत की चाट ऑमलेट। है तो फ्लफी ना, बहुत ही फ्लफी है, और टेक्सचर जो इसका आ रहा है ना इतना स्पॉन्जी है कि मजा आ गया। अरे एक बार अगर जरूर, अगर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया तो यहाँ आके जरूर ट्राई करिएगा, मेरे को कुछ डिफरेंट लगा, अंडा भी चखता हूँ साथ में, बढ़िया है, मजा आ गया।